भी बोला शंभो जी बम बम बोला शंभो जी मात्र मन बुद्धि के स्तर पर स्थिति का आकलन न करके विवेक से काम लेना आना चाहिए। इस दुनिया में राम और कृष्ण जैसे जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं, उन्हें कर्मरत रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्राप्तव्य की प्राप्ति के बाद उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। हमारी प्यारी अम्मा भी उसी कोटि की विभूति हैं। किसी कंदरा में समाधि में लीन रहने के स्थान पर उन्होंने निस्वार्थ कर्म और भक्ति के मार्ग को चुना। क्यों? क्योंकि अम्मा कहती हैं कि आज कोई सेवक नहीं बनना चाहता और समाज को ज्यादा आवश्यकता सेवकों की ही है। सेवा कोई भी हो, आदर्श पहले वो स्वयं प्रस्तुत करती हैं। दूसरे, कलयुग में भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है, अतः प्रतिदिन वो स्वयं जिस तल्लीनता के साथ भजन गाती हैं, हमारे लिए आदर्श स्थापित करने के लिए गाती हैं कि यूं अपने आप को खोकर गाओ, भक्ति रस में डूब जाओ, तन और मन की सुध खोकर भगवान को पुकारो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। वो जो प्रमाण देता है, लोग भी वैसा ही करते हैं। भला अम्मा से बेहतर कौन इस उक्ति को चरितार्थ करेगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈശ്വരശക്തിയുടെ നിശ്ചയങ്ങളാണ് പ്രകൃതി നൽകുന്ന സൂചനകൾ. അവ കാണാനും നേരായി മനസ്സിലാക്കാനും ധർമ്മബോധവും നീതിബോധവും ഉണ്ടാകും. ഹർ ക്ഷണ അമൂല്യ ഹൈ ജിസ്നെ ജാനാ വോ സജഗ് ഹോകർ കർമ്മേ മഗ്ന രഹേഗാ. പ്രത്യേക പൽ ഹമേ മൃത്യു കീ ഓർ ലിയേ ജാ രഹാ ഹൈ. अंतिम समय आने से पहले यहाँ कोई ऐसा करुणामय भला मानस रहता था, ऐसी एक छोटी सी भी छाप यदि हम इस धरा पर छोड़ जाएं, तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं। मात्र मन बुद्धि के स्तर पर स्थिति का आकलन न करके विवेक से काम लेना आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बुद्धि और हृदय से साथ साथ काम लें। बुद्धि बाहर देखती है तो हृदय अंदर। सच्ची जागरूकता दोनों ओर देखने में है। बाहर से ही देखने और राय बनाने का जो मनुष्य स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाना होगा। जीवन को अंदर बाहर दोनों ओर से देखने की
आदत डालें। ये उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य जगत की, लोगों की, स्थितियों की, अपने और दूसरे देशों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की आलोचना में हम कितना ही समय व ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ये अनावश्यक प्रवृत्ति, बुरी आदतें, शोर कोलाहल, वाद विवाद, प्रकृति, मनुष्य मन व पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। प्रकृति, समाज और गरीबों की सहायता करने के अवसर को हम इन सब की वजह से गंवा देते हैं। प्रकृति और मनुष्य इस पुस्तक में अमन ने बताया था कि यदि मनुष्य इसी प्रकार प्रकृति का शोषण करता रहा तो चांद जैसा जीवन इस भूमि पर भी जीना पड़ेगा हमें। पांव में मोच आने पर सूजन आती है, वो रक्षा करती है, फिर हम ध्यान से चलते हैं। पांव की रक्षा के लिए सूजन अपने आप आ जाती है, शरीर पैदा करता है। सूजन है इसलिए हम सचेत रहते हैं और हीलिंग होती है। उसी प्रकार हमने प्रकृति माता का शोषण किया है, वो घायल है, अब स्वयं को हील कर रही है। लंबे समय तक सब बंद रहा तो प्रकृति को जरा अपना लयताल संभालने का मौका मिला कह सकते हैं। प्रदूषण घटा, नदियों का प्रदूषण घटा, पानी स्वच्छ हो गया और कुल मिलाकर सब कुछ बेहतर हुआ। प्रकृति आनंदित है ऐसा कह सकते हैं। कोई प्रकृति से पूछे 2020 कैसा रहा, बरसों की पीड़ा के बाद 2020 बेहतरीन समय था, ऐसा होगा उसका जवाब। अतः प्रकृति ने कदाचित ये पथ्य चुना। यदि हम फिर वही गलती दोहराएंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आगामी वर्ष में हमें सक्रिय निर्णय लेने होंगे पहले से, और हमें वृक्षारोपण करना होगा, और ऐसा करना चाहिए कि शादी विवाह जैसे उत्सवों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दें। हम तो बरसों से अपने आश्रम की शाखाओं और यूनिवर्सिटी कैंपस में लाखों वृक्ष लगा चुके हैं। वृक्षारोपण के विभिन्न कार्यक्रम आश्रम द्वारा किए जाते हैं। अपने जन्मदिन पर 10 पौधे लगाकर हम प्रकृति का थोड़ा सा तो तारतम्य लौटा सकते हैं। पूर्व कर्मों और वासनाओं के चलते हुए हम सबको अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सबके जीवन का मूल तत्व तो एक ही है। प्रकृति की अपनी भाषा है, जिसे वर्णमाला सीखने या शैक्षणिक दक्षता या बौद्धिक शक्ति बढ़ाने से नहीं समझ सकते। प्रकृति की भाषा अति सूक्ष्म है। इसे समझना है तो मन में जरा विशालता और सूक्ष्मता का होना आवश्यक है। यही आध्यात्मिक विचार और साधना आवश्यक हो जाते हैं। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक बार एक आदमी को सुबह उठने पर लगा कि आज कुछ विशेष असाधारण घटने वाला है। उसने सोचा अच्छा शगुन है आज। उसने खिड़की से बाहर झांका। थर्मामीटर बाहर का तापमान 9 डिग्री दिखा रहा था। उसने घड़ी की ओर समय देखा, जो रात 9 बजे बंद पड़ गई थी। उसने उस दिन का अखबार उठाया, तिथि देखी तो 9 तारीख। अखबार पढ़ने के बाद वो नाश्ते के लिए फिर ब्रेड लेने गया। पैकेट खोला तो उसमें ठीक 9 स्लाइस निकले। नाश्ते के बाद मंदिर की समिति के लोग दान दक्षिणा हेतु उससे मिलने आए। ये भी 9 सदस्य थे। उसके मन में कुछ कौन सा गया। मन ही मन में अपने आप से बोलने लगा, हर जगह 9 ही 9, जल्द ही मुझे कोई सफलता मिलने वाली है, ऐसा सोचने लगा। उत्तेजना के मारे उससे बैठा न जाए। उसकी नजर अखबार के घुड़दौड़ वाले पन्ने पर पड़ी। आश्चर्य, उसने सोचा, आज की 9वीं रेस में नवम नामक घोड़े की जीत निश्चित है, निश्चित है। दौड़कर सीधा बैंक में गया और सारा पैसा निकालकर नवम घोड़े पर दांव पर लगा दिया। रेस शुरू हुई। वो अपनी जीत के सपने देखता हुआ रेस कोर्स गया। आखिर नतीजा आया, नवम 9वें स्थान पर आया था। ईश्वर के निर्णय प्रकृति के संकेत के रूप में आते हैं। उन्हें समझने के लिए हमें
धर्म व नीति का बोध होना चाहिए, वरना हमारा नतीजा भी इस कथा के आदमी जैसा हो सकता है। पकल शामी पार करा माफा बेटो
उत्तरी अमेरिका यात्रा का पहला स्टॉप है वाशिंगटन का सिएटल। जापान की लंबी उड़ान से उतरकर अम्मा तुरंत सिएटल आश्रम के लिए रवाना हो गई, जो कि शहर के बाहर सुंदर हरे भरे और निर्जन क्षेत्र में स्थित है। हमेशा की तरह अम्मा ने सबके साथ ध्यान और सत्संग करके उनके तरसे दिलों को तृप्त कर दिया। फिर अम्मा ने साल भर के वियोग से संतप्त स्थानीय भक्तों को प्रसाद बांटा। एक लंबी यात्रा से पहले यह समय था भक्तों के फिर एक बार इकट्ठे होने का और अपनी प्यारी अम्मा से मिलने का। अपने कक्ष में जाने से पहले अम्मा सहसा एक भजन गा उठी। अम्मा के साथ यात्रा पर जाने वाले भक्त जानते थे कि यह तो आनंद यात्रा की शुरुआत है। उत्तरी अमेरिका के प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम में अम्मा से मिलने के इच्छुक भक्त हजारों की संख्या में एकत्रित थे। She's the mother of humanity. She's the mother of you and me. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. Embracing the world. देश की ओर से स्वागत करने आई थी यूएस कांग्रेस की प्रमीला जयपाल। अपने स्वागत संदेश में उन्होंने कहा, एक ही मंच पर अम्मा के साथ खड़े रहने, अपने जन्मस्थली केरल से अमेरिका आई महान सद्गुरु अम्मा माता अमृतानंदमयी देवी के स्वागत का अवसर पाकर मैं अतिशय गौरव का अनुभव कर रही हूँ। समाज में नारी के उत्थान और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए अम्मा अनवरत कार्य कर रही है। अब तक वो 3,30,00,000 लोगों को गले लगा चुकी हैं। अम्मा आत्मा की आवाज है, हम सबको परमात्मा स्वरूप मानती हैं। अम्मा के ये शब्द की आध्यात्मिकता का आरंभ भी करुणा से होता है और अवसान भी वर्तमान समय में कितना सटीक है। फिर अम्मा अपने बच्चों को गहन ध्यान में ले गईं। अम्मा जहां भी जाती हैं, सुख और शांति का ऐसा वातावरण बना देती हैं, जिसमें सबको सुरक्षा और स्वतंत्र का अनुभव होता है। अम्मा उन्हें अपने स्नेहपाश में बांधती हैं, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अम्मा जगदोधारिणी माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। अम्बानंद रूपिणी माँ, अम्बा अम्मा का दर्शन रात भर चलकर देर सुबह तक चलता रहा। अम्मा के सिएटल के बच्चे उनके साथ अमूल्य क्षणों को खोना नहीं चाहते, पर वे ये भी जानते हैं कि अम्मा को और शहरों में भी जाना है। उनके कई और बच्चे तरस तड़प रहे हैं वही प्रेम रस पीने को, जिसका आस्वादन अभी वो कर रहे हैं।